सुबह 10:30 बजे झारखंड के धनबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर वाकई में लोगों ने कहा होगा कि झारखंड पुलिस वाह तुमने क्या काम किया है। जी हाँ, झारखंड के धनबाद यानी कि बैंक मोड़ के पास मुथुट फाइनेंस में जब अपराधी बैंक लूटने के लिए पहुंचे उस वक्त पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के बाद जो अपराधी होते हैं पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की जाती है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। उन अपराधियों में से 2 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा था और कई सारे लोग बिल्डिंग में छुपे हुए थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी और मौके पर कई सारी भीड़ भी जमा हो गई थी और फोर्स भी बुला लिया गया था। लेकिन हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है, बीते दिनों जमशेदपुर के बैंक ऑफ इंडिया में भी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था, उसको लेकर अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी है उन्हें पकड़ा गया है या नहीं। और इसी को लेकर आज झारखंड में जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है इसको लेकर लोग झारखंड पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं कि समय रहते हुए और मौके पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसी वक्त पुलिस ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए अपराधी के ऊपर गोली चलाई, उस अपराधी को मार गिराया और जो अपराधी वहां पर छुपे हुए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या झारखंड में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उस पर क्या लगाम लग सकेगा जो आज वहाँ पर घटा है। और एक बहुत पॉश इलाका है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है और जो इलाका है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाकों में शुमार किया जाता है। वहाँ पर अगर इस प्रकार की घटना घटी है झारखंड के धनबाद में तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और उन बेखौफ हुए अपराधियों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आए दिनों वो इसी तरह की बैंक की लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, कई लाख और करोड़ों रुपए उड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन जो झारखंड पुलिस ने आज काम किया उसको लेकर लोग यही कह रहे हैं वाह झारखंड पुलिस तुमने बेहतरीन काम किया। तो वही था हाथ में गोली लगा उसको। अच्छा, मरा था? कहाँ मरा? वहाँ मर गया था।